गुड इवनिंग बच्चों, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था वीकली टेस्ट पेपर के 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इन द गिवन फिगर OC इज परपेंडिकुलर टू AB। ये आपका कोई सर्कल है, ये AB कॉर्ड है और यह परपेंडिकुलर है। एंड AB जो है वह पूरा 24 है, 24 सेंटीमीटर AB की लेंथ है। एंड OC ये जो है वह 5 सेंटीमीटर है। तो हमें OA यानी कि इसका रेडियस फाइंड करना है। तो हम कैसे करें? हमें मालूम है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर bisects the chord। तो इसका मतलब कि AC is equal to BC is equal to half of AB, means half of 24, it's 12 centimeter। तो ये फिगर देखिए ऐसा कुछ बन गया, ये 12 सेंटीमीटर बन गया, ये 5 सेंटीमीटर बन गया, ये OC है, ये OC है और ये A है। मीन्स OA हमें रेडियस फाइंड करना है। तो यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी आप जो OC स्क्वायर निकालेंगे वह AC स्क्वायर प्लस OC नहीं OA, OA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25 169। इट मीन्स कि जो OA हो गया जो कि रेडियस है वह अंडर रूट 169 यानी कि 13 सेंटीमीटर और ये हमें मिलता है C में। सो C इज द राइट आंसर, 11th का आंसर C हो जाएगा। 12th देख लीजिए। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 37 सेंटीमीटर अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज ड्रॉन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। यानी कि सपोज ये कोई सर्कल है हमारा, ये सेंटर हो गया, ये कॉर्ड। अब कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर, सपोज ये AB है, इसका भी आप 24 सेंटीमीटर ले लीजिए और यहां से परपेंडिकुलर सपोज ये OC हो गया, OC परपेंडिकुलर हो गया और कहा गया कि रेडियस, इसका रेडियस गिवन है R इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड यानी ये फाइंड करना है कि कितना होगा। यहां भी सेम फेनोमेना कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सो ये आपका 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया। तो अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए वही पाइथागोरस प्रॉपर्टी का। पहले हम इसमें, क्योंकि MCQ है इसलिए सारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया कि ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी इसमें लगेगा जिसमें ये 12 और ये 37 है। तो ये देखिए OC स्क्वायर इज इक्वल टू आपका OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, मींस 37 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये 37 प्लस 12 इंटू 37 माइनस 12, ये आपका हो गया 49 इंटू 25। तो OC इज इक्वल टू अंडर रूट 49 इंटू 25 मीन्स 7 इंटू 5 इज 35 सेंटीमीटर। तो 12 का आंसर 35 सेंटीमीटर आपको A में मिलता है। सो A इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहां कहता है कि अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, ये आपका सर्कल है, ये सेंटर, ये आपका 13 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। एंड अ कॉर्ड इज ड्रॉन एट 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। यानी सपोज यह AB आपका कॉर्ड था, यह OC पर पेंडिकुलर हो गया, तो ये OC का जो मेजरमेंट दिया हुआ है ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हमें कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है यानी AB की लेंथ फाइंड करनी है। तो इसमें हम सबसे पहले इस ट्रायंगल में इन
राइट ट्रायंगल OCA यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, आपका ACA स्क्वायर प्लस OCA स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। AC हमें नहीं पता है, सो ACA स्क्वायर प्लस OC पता है 12 स्क्वायर हो गया, OA पता है 13 स्क्वायर हो गया, तो ACA स्क्वायर इज इक्वल टू ये 169 और ये उधर गया तो 12 का स्क्वायर कितना 144 माइनस हो गया, सो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन एसी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, एसी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, क्योंकि यह कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है इसलिए जो ए बी होगा वह 2 into AC हो जाएगा, सो AB इज इक्वल टू 2 into 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर, और ये हमें मिलता है बी पोर्शन में, सो आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कैसे बना, ये आपका बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। यहां पर 14 में चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देखिए आर अगर है 8 सेंटीमीटर तो डी यानी डायमीटर कितना हो जाएगा 2 into 8 16 सेंटीमीटर, और आपको मालूम है डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल, तो इसका मतलब है कि 16 सेंटीमीटर से ज्यादा कोई भी जो होगा वह नहीं हो सकेगा, सो बी 17.5 सेंटीमीटर कैन नॉट बी अ कॉर्ड, यानी इसके डायमीटर से बड़ा कोई भी कॉर्ड नहीं हो सकता है, इसलिए 17.5 सेंटीमीटर बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए में 10 है, सी में 12 है, डी में 9 है, वो सब हो सकते हैं लेकिन ये इस मेजरमेंट का जो कॉर्ड है वह नहीं हो सकता इस सर्कल में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में एक फिगर बना हुआ है, यहां एक सर्कल है, ये देखिए इस तरह, ये एक्स फाइंड करना है हमको, यहां दिया हुआ है, ये उधर से रिफ्लेक्स एंगल 280 डिग्री दिया हुआ है, ये ओ है, तो हमें एक्स फाइंड करना है, ये रिफ्लेक्स एंगल 280 दिया हुआ है, तो ये जो एंगल हो गया, इस एंगल का नाम अगर आप एंगल 1 रखते हैं देखिए तो कितना हो जाएगा, एंगल 1 विल बी 360 माइनस 280 डिग्री, क्योंकि रिफ्लेक्स मालूम है तो ये अंदर वाला एंगल इसी तरह से निकलेगा, माइनस कर लीजिए 16 माइनस 8 यानी 80 डिग्री, अब 1 आ गया 80 डिग्री, आपको मालूम है ये सेंटर का एंगल है और ये उस सेगमेंट का एंगल है, तो सेगमेंट पर का जो एंगल होगा वह सेंटर के एंगल से हाफ होगा, सो एक्स विल बी इक्वल टू 80 डिग्री का हाफ, ये जो 80 डिग्री निकला है उसका हाफ हो जाएगा यानी कि 40 डिग्री, सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए हो गया, आ गया होगा समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हमें फाइंड करना है 2x/3 इस फिगर में, ये रहा फिगर, सर्कल इस तरह से है, ये अपना सेंटर ओ है, ये अंदर से x है और ये है 120 डिग्री, अब देखिए ये एंगल x हमें पहले फाइंड कर लेना होगा और फिर हमें फाइंड करना होगा 2x/3, फाइंड करना है 2x/3, तो पहले x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके इस पॉइंट के अपोजिट में यहां पर सर्कल पर एक पॉइंट डाल लेंगे और यहां से इस कॉर्ड के इस एंड पॉइंट से और इस एंड पॉइंट से इसको हम मिला देंगे,
अब आप देख रहे हैं कि ये एक कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन गया, कौन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो ये जो कौन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कौन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये 120 हो गया, तो ये भी 60 हो गया। मान लेते हैं इसका नाम एंगल 1 रखते हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री। ये जो है वह 60 डिग्री हो गया एक कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं, सीधा सीधा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये लिख दिया हमने, यानी प्रॉपर्टी यहां डिस्कस हो गया। अब जरा देखिए, ये एंगल सेंटर का एंगल है और ये एंगल सेगमेंट का एंगल है। तो सेंटर का एंगल जो होता है वह डबल होता है सेगमेंट के एंगल का। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 1, यानी 2 इंटू 60 डिग्री, दैट इज यह हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री आ गया x का मेजरमेंट। अब x का मेजरमेंट तो 120 आ गया, फिर 2x बाई 3, सो 2 इंटू 120 बाई 3 कट कर दीजिए, यह 40 टाइम्स कट गया, 80 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब 80 डिग्री देखिए कि किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में फिर एक सर्कल यहां है, ये कोई सर्कल है, और इस सर्कल में यहां ये इस तरह से अंदर का एंगल दिया हुआ है 200 डिग्री, ये 200 डिग्री दिया हुआ है, और यहां है इस तरह से आपका ये है x, ये x फाइंड करना है। अब इस x में 2x फाइंड करना है, इनफैक्ट हमें फाइंड करना है 2x। तो पहले x निकाल लें, x निकालने के लिए इधर से इसका नाम एंगल 1 रख दीजिए। तो एंगल 1 विल बी, ये रिफ्लेक्स एंगल है, तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू 360 में से 200 माइनस कर दिया हमने, 160 डिग्री हो गया। अब 1 जितना बड़ा है, ये जो 1 है, ये 10 नहीं 1 है, यहां पे O लिखा हुआ है मैंने, ये जो एंगल 1 है वह डबल हो जाएगा x का। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, यानी x इज इक्वल टू एंगल 1 बाई 2, सो 160 डिग्री बाय 2, इट्स 80 डिग्री। अब या डायरेक्ट यहीं पे भी निकाल सकते थे, फाइंड 2x, यानी 2x तो इज इक्वल टू 1 है ना, तो डायरेक्ट यहां पर भी आप 80 डिग्री लिख सकते हैं, या पहले x निकाल करके, और आप या सॉरी 160 डिग्री आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, या यहां पर 80 डिग्री x का वैल्यू निकालकर 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 80 डिग्री, यानी कि 160 डिग्री, ये भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, में फिर से आपके पास एक सर्कल है इस तरह, और ये इस तरह आया हुआ है, यहां x है, ये आपका 110 है, और ये जो है वो है 40 डिग्री। हमें x फाइंड करना है, तो पहले देखिए कि ये जो एंगल है वही सेम एंगल यहां हो जाएगा, इसका नाम एंगल 1 रख दीजिए, क्योंकि ये जो 40 डिग्री है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट कहलाता है, और एंगल ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। आपको बता दूं कि मैंने पहले भी बताया है कि ये कोई सर्कल है, अगर हम यहां से और यहां से, ये दो पॉइंट यानी आर्क के ये दोनों पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में जितने भी चाहे एंगल बना लें, वो सारे के सारे एक ही मेजरमेंट के होंगे, यानी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, चाहे जहां भी बनाइए आप, जहां भी बनाइए, सभी जगह एक ही मेजरमेंट का एंगल बनता है। इसको कहते हैं एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट्स एंड दे आर इक्वल। तो ये जो मैंने कहा कि एंगल 1 नाम रखिए इसका,
तो लिखिए एंगल वन इज इक्वल टू 40 डिग्री और लिखेंगे एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी है। अब जरा देखिए कि इस ट्रायंगल में बाई एंगल सम प्रॉपर्टी हम निकाल सकते हैं। ये निकल गया हमारा 40 डिग्री, एक्स का वैल्यू बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एक्स प्लस एंगल वन और प्लस 110, ये 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एक्स प्लस वन का मेजरमेंट 40 आ चुका है, 40 प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर एक्स कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40 और 110 दोनों मिलकर के कितना 150 हो गया, 150 माइनस कर दीजिए 30 डिग्री इसका आंसर हो गया। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक्स बाई 3 फाइंड करना है, तो एक्स बाई 3 फाइंड कर लीजिए, एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 30/3 यानी कि 10 डिग्री, और ये मिलता है आपको सी ऑप्शन में, सो सी इज द राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में x का वैल्यू फाइंड करना है। फिर से यहां पर आपके पास एक इस तरह सर्कल है और ये रहा, ये सेंटर O है, मतलब ये पूरा फुल डायमीटर हो गया और इसको हमने इस तरह मिला दिया, ये x हो गया, ये जो है वो है 60 डिग्री। तो x का वैल्यू फाइंड करना है। अब जरा देखिए यह सेम सेगमेंट का एंगल दिख रहा है आपको, सेम सेगमेंट नहीं, ये सेंटर का एंगल और ये उसी तरफ का एंगल सेगमेंट पर, तो सेंटर का एंगल जो है वह उस सेगमेंट के एंगल का ट्वाइस होता है। सो ये जो 60 डिग्री है वह 2 इंटू ये हो जाएगा इतना, 2 इंटू इतना, और ये दोनों इक्वल होने जा रहे हैं। क्यों इक्वल होने जा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये दोनों इक्वल हो गए, इसका नाम एंगल वन रख दीजिए। तो लिखेंगे ये रेडियाई, नाम डाल देता हूं, एक काम करता हूं ए बी और ये सी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो इस तरह से एंगल वन इज इक्वल टू एक्स हो गया, क्यों हो गया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अब एक्सटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हैं, ये आपका एक्सटीरियर एंगल ही तो बन रहा है 60 डिग्री, तो बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल वन प्लस एक्स, और तो बी ओ सी आपका 60 डिग्री हो गया इज इक्वल टू, वन भी तो एक्स ही है और ये खुद तो एक्स है ही, तो 2x इज इक्वल टू 60, सो x इज इक्वल टू 60/2, इट्स 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 में x का वैल्यू फाइंड करना था, वह 30 आ गया, यह आंसर डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये रहा आपका सर्कल और इस तरह एक ट्रायंगल बन रहा है और एक इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है। यहां पर ये वाला एंगल 70 डिग्री है और ये फुल एंगल 75 डिग्री है। आपको ये फाइंड करना है एक्स, ये एक्स फाइंड करना है। तो चलिए नाम डाल लेते हैं ए बी सी डी। अब जरा देखिए तो ये जो बी ए सी और बी डी सी है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल टू, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया आपका, एक्स हो गया, एंगल्स ऑन द
सेम सेगमेंट आर इक्वल इसलिए। अब जरा देखिए ये कंप्लीट एंगल कंप्लीट ट्रायंगल आपको दिख रहा है जिसमें तीनों एंगल पता है हमें 70, 75 एंड x। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी आप x फाइंड कर लीजिए। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल BDC x प्लस 70 डिग्री प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, तो माइनस करके ये आपका 35 डिग्री आ जाता है। अब हमें फाइंड इसमें क्या करना था, इसमें फाइंड करना था आपको x माइनस 10 फाइंड करना था। तो नाउ x माइनस 10 इज इक्वल टू 35 माइनस 10 यानी 25 डिग्री, और ये हमको मिलता है b में। सो b इज द राइट आंसर। अब आ गया होगा समझ में। चलिए अब तो ये हो गया, संडे टेस्ट का के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम रिज्यूम करेंगे क्लास को आगे की तरफ, यानी सर्कल में जो कुछ और भी क्वेश्चन हमें जानने हैं वो करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कल में हम लोगों ने ये जाना था, आपको बताया था मैंने तीन सिचुएशन, ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तीन कंडीशन, ये रहा सेंटर ओ, ये रहा सेंटर ओ, ये रहा सेंटर, एक काम करते हैं इसका सेंटर का नाम ए बी सी कर देते हैं, ये ए, ये बी और ये सी, और ये आपका पी और क्यू आर्क है। इस तरह अगर हमने ये एंगल बनाया और एक ये एंगल बनाया, बताया था मैंने यहाँ पे आप M और N और यहाँ L डालिए, यहाँ L डालिए, तो ये एंगल देखिए, और अगर आपका ये आपका X और Y, तो सेंटर से होके ये कॉर्ड गया, सेंटर से होके कॉर्ड गया, तो मतलब कि ये डायमीटर हो गया, और यहां पर हम डाल लेते हैं Z, तो ये एंगल सबकी क्या मेजरमेंट होगी। आप देखिए मैं बात कर रहा हूं इस एंगल की और यहां इस एंगल की और यहां पर इस एंगल की। अगर ये एंगल एक्यूट है यानी कि सेम डायरेक्शन में ये वाला, तो अगर ये एंगल ए ओ क्यू जो है वह x के बराबर है तो ये जो हो जाएगा वह x बाई टू हो जाएगा, रिलेशन ऐसे समझिए। अगर यहां पर फिर से आप देखिए कि ये जो है वो अगर x है तो ये हो जाएगा x बाई टू, इस तरफ बना माइनर आर्क पे, माइनर आर्क पे जब बना तो रिफ्लेक्स एंगल हमने लिया, और जब ये मेजर आर्क पर आर डाला है हमने तो ये अंदर वाला एंगल लिया, ये एक्यूट भी हो सकता है ऑब्ट्यूस भी हो सकता है। यहां ये एक स्ट्रेट एंगल बन गया, ये तो 180 डिग्री होता है मालूम है, तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि क्योंकि ये जो एंगल जेड होगा ये 180 के आधा होगा, क्योंकि यहां का सेंटर का एंगल यही हो गया ना इस कॉर्ड के जो दोनों एंड पॉइंट है वह एक्स और वाई, ये पूरा एक सेमी सर्कल बना रहे हैं, तो सेमी सर्कल के कारण यहां पर वाला जो एंगल हो गया वह इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि एंगल Z विल बी 180 बाई 2 यानी 90 डिग्री। यहां से एक प्रॉपर्टी निकलता है एंगल ऑफ सेमी सर्कल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू अ राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। याद रखिएगा ये इस तरह का सिचुएशन जहां कहीं भी बनेगा वह 90 डिग्री बनेगा। इट मींस कि मैं अलग अलग तरह से, अगर मैं ये सेंटर से, ये रहा आपका ए बी अगर कोई कॉर्ड है, तो ए बी अगर कोई डायमीटर है, तो डायमीटर जो भी एंगल बनाएगा चाहे किसी भी सेगमेंट पर, उधर बनाए चाहे इधर बनाए, इस तरफ चाहे इस तरफ,
सभी जगह वह 90 डिग्री ही बनेंगे, ये सब के सब 90 डिग्री होंगे। इसको कहते हैं एंगल ऑफ द सेमी सर्कल एंड दे आर सेड टू बी राइट एंगल। ये किस प्रॉपर्टी से का नतीजा है? ये उस प्रॉपर्टी का नतीजा है जो हमने पढ़ा है कि एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के किसी भी पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में, याद रखिए वो सेम सेगमेंट पर होना चाहिए, यानी कि आर्क हमने ऐसे लिया है तो एंगल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ यही होना चाहिए। ये मतलब आर्क हमारा एक जगह ऐसे लग रहा है तो दूसरी जगह भी ऐसे लगना चाहिए। यहां पर क्या देखा आपने, आर्क हमारा ऐसे लग रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहां का आर्क ये रहा ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला। इट मीन्स कि जिस डायरेक्शन में आर्क लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपको सेगमेंट पर देखना है, वह हमेशा उस सेंटर के एंगल का ये हाफ होगा और सेंटर वाला एंगल इस एंगल का डबल होगा। ये प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो एंगल ऑफ सेमी सर्कल हमें राइट एंगल मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर क्या कंडीशन है सो देखिए। कंडीशन ये है कि ये जो BC है वह इसके इस सर्कल के रेडियस के बराबर है। BC इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आप देख सकते हैं कि ये AOB एक डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो गया, ये OA रेडियस हो गया, OB रेडियस हो गया, तो BC उतना ही हो जाएगा जितना ये है और OC भी तो उतना ही है, तो देयरफॉर आपका जो OA हो गया और जो OC हो गया और जो OB हो गया वह BC के बराबर हो गया, रेडियस के बराबर। आप देख सकते हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो लिखेंगे OBC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फाइंड क्या करना था इसमें सो देखिए, ये गिवन था और हमें फाइंड करना था, फाइंड एक्स, यहां एक्स लगा हुआ है, एक्स हमें फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ये हो गया तो आपको मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो ये 60, ये भी 60, ये भी 60, सब 60 60 हो जाएगा, सारे 60 60 होते हैं, इसलिए इस सेंटर का एंगल जो है बी ओ सी वो 60 हो गया, तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 60 डिग्री लिखेंगे। ईच एंगल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 60 डिग्री आ गया। अब मैंने इसको 60 डिग्री लिखा है, इस सबको भी 60 डिग्री लिखा है, लेकिन इसकी जरूरत हमें है नहीं, मुझे सिर्फ निकालना था इस एंगल को, इसलिए मैंने सबको बताया आपको कि सारे एंगल 60 60 हो जाएंगे। अब जरा देखिए, अब जरा ई पॉइंट को देखिए, तो यहां पर ये जो है एंगल आपका ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला, ये 30 हो गया, ये वाला 30 हो गया, और इधर से ये आपका 90 हो जाएगा। यहां देखिए ये 90 क्यों होगा, एंगल ऑफ द सेमी सर्कल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आ गया, और यह आपका परपेंडिकुलर गिवन है, ये टेंजेंट है, इसी नहीं है, यहां पर ऐसे टच नहीं है, ये फिगर में थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए आप लोग, ये इस तरह आया है, ये आपको मैं बता दूं, अभी टेंजेंट पर आऊंगा, सर्कल में टेंजेंट पर आऊंगा,
तो सर्कल में जो टेंजेंट पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा आपको कि जो सर्कल में कहीं एक पॉइंट से होकर के कोई लाइन जब टच करके जाती है उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, और टेंजेंट जो होता है वह रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, कोई भी रेडियस। ये रेडियस इस पॉइंट पर जैसे ज्वाइन किया हमने तो हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब देखिए, मैं कह रहा हूं पहले कि यहां पर ये वाला 90 हो गया, उसी तरह से ये 90 हो गया एंगल, ये टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको कहते हैं थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब क्योंकि ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो ये बचा हुआ एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम लिखेंगे पहले एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, through the point of contact। अब देखिए आगे क्या करना है इसमें। तो ये जो एंगल सी बी ओ है वो है 60 डिग्री, तो एंगल सी बी डी कितना निकल जाएगा, सी बी डी विल बी ये पूरा फुल जो 90 डिग्री है उसमें से 60 डिग्री माइनस कर देंगे 30 डिग्री आ जाएगा, ये पता चल गया 30 डिग्री। अब इसका पता करना है, तो ये कैसे पता चलेगा, यहां से पता चलेगा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल इन द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल वाला जो प्रॉपर्टी बताया है उसकी वजह से। अब एक ये 90 हो गया, एक ये 30 हो गया, तो एक क्या एक्स ही बच गया ना, तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल बी सी डी एक्स प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री 60 डिग्री, यह आंसर हो गया, एक्स का वैल्यू आ गया। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को और इसको समझने की कोशिश करिएगा। चलिए तो ये हो गया, अब अगली क्लास में हम लोग सर्कल को और रिज्यूम करेंगे, थोड़ा सा और करना है हम लोगों को सर्कल में काम, उसके बाद हम लोग सर्कल जब हमारा ख़त्म हो जाएगा टेंजेंट वगैरह करेंगे, और टेंजेंट जब हमारा ख़त्म हो जाएगा सर्कल का तब हम मेंसुरेशन में चलेंगे, और मेंसुरेशन पहले प्लेन फिगर का करेंगे। प्लेन फिगर इट मीन्स की ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट, इन सब का एरिया निकालना सीखेंगे। एक्चुअली सेक्टर का, सेगमेंट का एरिया निकालना आपको रिम्स वगैरह में आता है, वो सीखेंगे, और तब उसके बाद हम लोग सॉलिड फिगर में चलेंगे, सॉलिड फिगर का एरिया और वॉल्यूम निकालना सीखेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, क्लास एंड करते हैं।